हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हाउ अबाउट विद सुजय में। मैं हूं सुजय और आज के इस वीडियो में हम सब सीखेंगे कि क्विज क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, क्विज टेस्ट पेपर कैसे बना सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। चलिए हम पहले एक सैंपल आपको दिखा देते हैं कि आप खुद से क्वेश्चन सेव करके आंसर सेट करके कैसे एक क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं, यही आज सीखने वाले हैं। तो हमने यहाँ पहले से कुछ क्विज बनाए हुए हैं, वो आपको पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे बताते हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो हमने ये बनाया हुआ है, पोल साइंस के कुछ क्विज हैं, हम इसको आपको प्ले करके दिखाते हैं। आप प्ले स्टोर से बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करते होंगे जिसमें इस तरह का आपको क्विज मिलता होगा, यानी कि GK, GS, मैथ, रीजनिंग, इस तरह के क्वेश्चन और चार ऑप्शंस वाले मिलते होंगे। तो ये जो अभी आप देख पा रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं और इसके जो ऑप्शन हैं, इसे हमने क्रिएट किया है। जैसा कि क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो आपको ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये चार ऑप्शन हमने भी लगाए हैं और ये क्वेश्चन भी हमने सेव किए हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ टिक कर देता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं हम जिस क्वेश्चन को टाइप कर रहे हैं, टिक करें, वो ग्रीन हो जा रहा है। यहाँ आपको नेक्स्ट का बटन मिल जा रहा है जिसे आप क्लिक करके अगले क्वेश्चन को एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह हमने इसमें फ़िलहाल के लिए 3 क्वेश्चन ऐड किया आपको दिखाने के लिए। अगर आप चाहते हैं तो अधिकतम इसमें जितना चाहे उतना क्वेश्चन सेव कर सकते हैं और एक टेस्ट पेपर बना सकते हैं। इसको आप क्रिएट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिरकार ये टेस्ट पेपर कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आपको जाना होगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद एक एप्लीकेशन सर्च करना होगा जिसका नाम है क्विज मेकर, जैसा कि हमने यहाँ लिख रखा है। क्वेश्चन मेकर एंड एक्सपर्ट, यहीं आपको सर्च करना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यही वो एप्लीकेशन है जिसका नाम है क्विज मेकर, क्रिएट क्विज क्वेश्चन लाइज। इस तरह आप इसे इंस्टॉल कर लें। हमने इंस्टॉल कर लिया है इसलिए फ़िलहाल इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और इस तरह आने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आप पहले से क्रिएट किए होंगे वह यहाँ दिखाएगा, अगर नहीं क्रिएट किए होंगे तो यहाँ प्लस का आइकन पर आपको क्लिक करके कोई भी टेस्ट क्रिएट करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं प्लस के आइकन पर और एक टेस्ट पेपर बनाते हैं। तो अभी यहाँ पर पूछा जा रहा है न्यू प्रोजेक्ट, तो आप अपना प्रोजेक्ट का नाम दे दे, जैसा कि हम यहाँ पर दे देते हैं, क्या दे दे, GK दे देते हैं। तो ये मेरा हो गया जनरल नॉलेज GK। और सिंपल आपको एडिट पर क्लिक करना है, यहाँ पर एडिट वाली जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर लिखा हुआ है और एक यहाँ कैमरे की आइकन बनी हुई है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई मैथमेटिकल है तो आप जो कैमरे का आइकन बना है उस पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल फ़ोन से उसका फ़ोटो क्वेश्चन का डाल सकते हैं, जिसको आप एक्सेस नहीं कर सकते कि हाँ हम नहीं लिख सकते मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, उसका आप इमेज डाल सकते हैं। कोई क्वेश्चन का इमेज डाल दे और उसके बारे में यहाँ क्वेश्चन लिख दे, जैसा कि हम यहाँ पर आपको बताते हैं एक क्वेश्चन लिख करके। चलिए हम यहाँ आपको दिखाते हैं कोई एक क्वेश्चन लिख करके। तो हमने एक क्वेश्चन पर टाइप किया, टाइप करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कीबोर्ड आ चुका है। हमने हिंदी गूगल का इंडिक कीबोर्ड जो होता है हिंदी में लिखने वाला, उसे इंस्टॉल किया है और यहाँ से हम हिंदी में क्वेश्चन लिख के बताएँगे। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिख देते हैं बिहार की राजधानी कहाँ है, एक क्वेश्चन मार्क ऐड कर देते हैं। अब तो ये मेरा क्वेश्चन आ चुका है, अब आती है ऑप्शन की बारी। तो हम ऑप्शन क्या डालें और राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो फिलहाल हम ऑप्शन पर क्लिक करें आंसर पर और यहाँ आंसर में डाल देते हैं फर्स्ट में रांची, सॉरी रांची, और आपको इंटर टाइप करना है। जैसे ही आप इंटर टाइप करेंगे आपके अगला ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद डाल देते हैं पटना,
उसके बाद डाल देते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और एक और ऑप्शन हमको छूट गया, फिलहाल तीन ही ऑप्शन है, तो हम इसमें डाल देते हैं आपको झारखंड। झारखंड, तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ क्वेश्चन बनाए, एक पेपर बनाया। आप अपनी इच्छा से जो क्वेश्चन चाहे वो बना सकते हैं कि बिहार की राजधानी कहाँ है, और हमने यहाँ चार ऑप्शन ऐड कर दिए हैं, रांची, पटना, उत्तर प्रदेश और झारखंड। अब आपको इसमें टिक कर देना है जो कि आपका सही आंसर होगा, आपको यहीं पर टिक कर देना है। तो फिलहाल इसका सही आंसर क्या होगा, पटना, तो हम यहाँ पटना को टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक कॉर्नर पर थ्री डॉट मिल गया है, इस थ्री डॉट पर क्लिक करके अगर आपके ऑप्शन में यस नो डालना चाहते हैं, दो ही ऑप्शन वाले सही है या गलत है, तो यस नो कर दे, ट्रू फॉल्स डालना चाहते हैं तो ट्रू फॉल्स का ऑप्शन डाल सकते हैं, इस तरह एक और आप मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह हम अपना क्वेश्चन बना लेंगे और उसका जो सही आंसर होगा वो टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल नेक्स्ट कर देना है। अगर नेक्स्ट नहीं करना चाहते, अगर आप बिहार के बारे में और कुछ आंसर के बारे में एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं बिहार की राजधानी पटना, पटना है, यहाँ के मुख्य मंत्री नीतीश कुमार है। इस तरह आप कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके बारे में, और जो आंसर है उसके बारे में और एक्सप्लेन कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपका पहला क्वेश्चन सेटअप हो चुका है, यानी कि आपके टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन बन चुका है, और सिंपल आपको ऐड क्वेश्चन पर क्लिक करना है, यानी कि अगला क्वेश्चन के लिए, तो एक क्वेश्चन ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। फिर से आपको यहाँ पर टाइप करना है दूसरा क्वेश्चन, तो हम यहाँ आपको एक फ़ोटो के माध्यम से क्वेश्चन टाइप करके दिखाते हैं। तो इसके लिए आपको टाइप करना होगा इस कैमरे वाली आइकन पर, कैमरे वाली आइकन पर अगर टाइप करते हैं तो आपके सामने ये तीन तरह के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। एक कैमरा जो आप डायरेक्ट अपने कैमरा से खींच सकते हैं, और एक गैलरी, और दूसरा वेब लिंक जो कि आप ऑनलाइन कहीं से भी लिंक अगर कर देते हैं तो यहाँ से वो ऑटोमेटिक ले लेगा। तो फिलहाल हम गैलरी से ही आपको बताते हैं, तो गैलरी पर क्लिक किए और यहाँ अलाउ कर देते हैं। गैलरी पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारे मोबाइल फ़ोन में जो इमेज है वो यहाँ पर खुलेगा, इस तरह आप देख सकते हैं फ़िलहाल खुल रहा है। तो यहाँ से आप जो भी क्वेश्चन लेना चाहें वो क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक सिंपल के लिए इसे ले लेता हूँ, जैसा कि मैंने इस फ़ोटो खींच रखा है कि ये क्वेश्चन है, तो इस तरह आप क्वेश्चन को ले सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन के बारे में बताना चाहते हैं कि उपयुक्त का क्या आंसर होगा, उपयुक्त तस्वीर में क्या आंसर होगा, तो इस तरह आप क्वेश्चन के जो नोट्स हैं वो क्वेश्चन के बारे में पेपर के बारे में लिख दें, और उसके बाद यहाँ फिर ऑप्शन दे दें। ऑप्शन आप तीन तरीके से दे सकते हैं, अगर यस नो में देना चाहें कि आंसर ट्रू यस होगा या नो होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो इस तरह आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह ऐड करने के बाद आप जितना क्वेश्चन चाहे उतना क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद सिंपल आपको बैक जानी है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है सेव एंड लेफ्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो फिलहाल ये आपका सेव हो चुका है, और कुछ और इसमें डिटेल्स जाना है। यहाँ सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ आपको अपने टॉपिक का नाम दे देना है, तो चलिए इसका भी नाम हम दे देते हैं GS, और टॉपिक का नाम दे देना है नॉलेज के बारे में आप देना चाहें तो आप किस टाइप का है, तो हम कह देते हैं ईजी EASY और क्रिएट कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ये सब अगर आप ना भी सेव करते हैं तो चलेगा, और सिंपल आप इसको प्ले पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपके वो क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं बिहार की राजधानी कहाँ है, तो यहाँ पर अगर हम रांची मारते हैं तो ये गलत होगा, और आप देख सकते हैं अगला कि हमने जो स्कोर था टोटल क्वेश्चन एक था, एक में हमें 0 स्कोर मिला और हमारा क्वेश्चन गलत था। इस तरह आप बना सकते हैं। अगर आप वहीं सही आंसर मारते हैं तो आपको
स्कोर यहाँ पर दिखाएगा वन बाई वन, यानी कि एक में एक आपको स्कोर मिला है। यहाँ से आप बैक जा कर के इस पर क्लिक करके आप अपने क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन की हिस्ट्री देख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप आसानी पूर्वक क्वेश्चन बना सकते हैं। रही बात की अगर एक क्वेश्चन बन गई तो आप इसे एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कैसे करेंगे, तो सिंपल आपको यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है शेयर का, इंपोर्ट क्वेश्चन और एक्सपोर्ट क्विज फाइल। एक्सपोर्ट क्विज फाइल पर करते हैं तो यहाँ आपको ये आप शेयर कर सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं आपको इस फ़ोन के इस एप्लीकेशन के फोल्डर में सेव हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप शेयर करना चाहें तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे खासे एक टेस्ट पेपर बना सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन और मिल जाता है, यहाँ पर आपको आप अपने टेस्ट पेपर का जो टाइटल है, थंबनेल है, अकाउंट इंस्टीट्यूट है, उसका नाम आप ऐड कर सकते हैं, फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। इस तरह आप बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहे, व्यस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।